दीपावली के उत्सव में कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा के दिन को बलि प्रतिपदा कहा जाता है। आइए जानते हैं इस दिन के विषय में। महाराज बलि राजा विरुचंद के पुत्र थे, जो प्रहलाद के पुत्र थे। यद्यपि राजा बलि महाराज राक्षसों के महान शक्तिशाली राजा थे, फिर भी वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अपने पराक्रम और तेज से उन्होंने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त की और संपूर्ण 14 लोकों पर अपना शासन प्रस्थापित किया। 14 लोकों पर पूरी संप्रभुता प्राप्त होने के बाद भी बलि महाराज को इंद्रपद प्राप्त करने की इच्छा थी। इसलिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कुशल मार्गदर्शन में उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। यदि कोई 100 अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक कर ले तो वो इंद्रपद को प्राप्त कर सकता है। बलि महाराज ने ऐसे 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे किए। सभी देवता चिंतित हो गए और बलि महाराज के प्रकोप से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कश्यप मुनि और माता अदिति के पुत्र भगवान बटुवामन के रूप में जन्म लिया। वे बलि महाराज के यज्ञ स्थली में गए और बलि से ब्राह्मण दक्षिणा के रूप में 3 पग भूमि मांगी। फिर भगवान त्रिविक्रम का विराट रूप धारण करते हुए उन्होंने 2 ही पग में पूरे 14 लोगों को नाप लिया। बलि महाराज के पास वामन देव का तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह नहीं बची। उस समय तीसरा कदम रखने के लिए बलि महाराज ने अपना शीश आगे किया। भगवान वामन बलि महाराज से बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार नवधा भक्ति के अंतिम अंग आत्मनिवेदन अर्थात भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण, इस विधि के बलि महाराज आचार्य बने। इंद्र लोक से भी अधिक ऐश्वर्य संपन्न बनाकर भगवान वामन ने बलि महाराज को सुतल लोक प्रदान किया। पृथ्वी लोक के पूर्व राजा के रूप में भगवान वामन ने बलि महाराज को आशीर्वाद दिया कि वह वर्ष में एक बार कार्तिक महीने के पहले दिन पृथ्वी पर आए और देखें कि यहां की प्रजा कैसे आनंद में जीवन जी रही है। इसलिए हमारे सनातन धर्म की संस्कृति में हम दृढ़ता से मानते हैं कि बलि महाराज इसी दिन पृथ्वी लोक पर आते हैं। सभी नागरिक उनके स्वागत के लिए दीपक प्रज्वलित करते हैं और इस दिन राजा के रूप में उनकी पूजा भी करते हैं। बलि प्रतिपदा महोत्सव की जय।